को मुझसे कोई पूछेगा कि बेटा तुम्हारी ऑक्यूपेशन क्या है, तो माय ऑक्यूपेशन नेम इज़ बेरोजगार, तो आप ये कहने में झिझकना मत और बिल्कुल कॉलर ऊपर करके तमीज़ से कहना आई एम बेरोजगार। कोविड-19 पैंडमिक और लॉकडाउन लॉकआउट जैसे शब्दों की एग्जीबिशन आपने अच्छे से सुनी होगी। अगर आप ट्विटर, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी चीज़ें यूज़ करते हो तो आपको मालूम होगा यहाँ पर हैशटैग्स बहुत जल्दी ट्रेंड कर जाते हैं। इस समय जो सोशल मीडिया यानी कि ट्विटर पर हैशटैग और इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट मीम्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं वो है ये कि बोर्ड एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए, यानी कि या तो डिले कर दिया जाए या कैंसिल कर दिया जाए, पूरी तरीके से हमको प्रमोट कर दिया जाए। तो ये बच्चों की डिमांड है जो कि इस पैंडमिक में नहीं चाहते, लॉकडाउन लग जाएगा तो हमारी प्रिपरेशन की माँ बहन हो जाएगी, तो इससे अच्छा है इसको डिले कर दो या कैंसिल कर दो। तो अब इसको फेवर करने सोनू सूद ने एक ट्वीट करा ट्विटर अकाउंट से अपने ऑफिशियली, सो कहा कि मैं बच्चों का समर्थन करता हूँ और ये जो हैशटैग चल रहा है कैंसिल बोर्ड एग्ज़ाम 2021, इसको मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ और इसको मैं भी चाहता हूँ ये कैंसिल हो जाए, क्योंकि बच्चों की तरफ तो मैं स्टार्टिंग से ही हूँ। लॉकडाउन में भी मैंने यानी कि अभी जो पैंडेमिक ऑन हुआ था मैंने भी काफ़ी बच्चों की सहायता कर दी थी, स्मार्टफोन्स भी गिफ्ट कर दिए थे ऑनलाइन उनकी क्लासेस चलने के लिए, तो अभी मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। और देखो भाई, एज अ स्टूडेंट हमारी भी कुछ हमारा भी हक बनता है कि हम भी इसके ऊपर आवाज़ उठाएं कि बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल करो। तो होप कि आपको ये चीज़ पहले से ही मालूम होगी कि काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, मीम्स भी बन रहे हैं कि अब जब भी एग्ज़ाम आए तो कोरोना आ जाए, अब जब भी एग्ज़ाम आए तो लॉकडाउन आ जाए, अब जब भी एग्ज़ाम आए तो हमारी तरफ लॉकडाउन आ जाए, या ऐसा कुछ भी हो पर एग्ज़ाम ना हो, हम डेली बेसिस पर प्रमोट होते रहें और फ्यूचर ऐसे ही महानता के साथ गुजरता रहे। नौकरी की तो कोई वैसे भी पता नहीं है, पढ़ के बैठ जाओ। देखो मुझसे कोई पूछेगा कि बेटा तुम्हारी वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ तुम्हारा ऑक्यूपेशन क्या है, तो माय ऑक्यूपेशन नेम इज़ बेरोज़गार, तो आप ये कहने में झिझकना मत और बिल्कुल कॉलर ऊपर करके तमीज़ से कहना आई एम बेरोज़गार। सो एंड आई एम टोटली मैड सर, मैंने 2K19 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था बट मैं अब भी बेरोज़गार हूँ, तो मैं आपके लिए बेरोज़गारी से भरे मुद्दे सुना सकता हूँ और अपनी गवर्नमेंट को नमन कर सकता हूँ। सो इस टाइप से आप झिझकना नहीं बिल्कुल भी, कह देना आई एम बेरोज़गार। सो एक टाइटल आप अपने लिख सकते हो, मैं कहता हूँ एक ट्रेंड और चला दो बेरोज़गार, और जितने भी बेरोज़गार युवक हम जैसे बैठे हैं क्या है बार बार यही कर लो फिर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर, तो आप बस यही कर लें सब। जब कुछ नहीं मिलता लोग बाग को ये करना पड़ता है कि यार मेरी ये एप्लीकेशन है इसको रेफरल करो, मतलब कि इसको डाउनलोड कर ले, 50 तुझे मिलेंगे 50 मुझे मिलेंगे, तो यही सारी बकचोदी करनी पड़ती है या गली में जाके बोलने पड़ेंगे आलू ले लो, या तो कुछ और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास पकौड़े तलने जैसी, या फिर घर पर बैठकर सुई धागे से मास्क बना सकते हैं, ये भी एक अच्छी क्रिएटिविटी रहेगी। तो बहुत सारे ऐसे लॉकडाउन के टाइम पीरियड पर बहुत सारे काम है जो आप कर सकते हो, अब ये आपको देखना है कि आपको कौन सा करना है आत्मनिर्भरता के तहत। ये सारी बीसी जो वीडियो में मैंने अपनी बयां करी एज अ बेरोज़गार आपको पसंद आई होगी, मेरे इस काम को आप शेयर कर सकते हैं अपने बेरोज़गार दोस्तों के साथ। तो मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव बेरोज़गारी से रिलेटेड वीडियोस के लिए, तो फॉलो कर सकते हैं आप मुझको इंस्टाग्राम पर भी, क्वेरीज़ के लिए डायरेक्ट मैसेज करो, खाली बैठे हैं बेरोज़गारी का समय है तो जवाब मिलेगा आपको। अगर कोई लड़की देख रही हो इस वीडियो को तो प्लीज़ मुझसे जो मतलब एक भावना प्रकट क्या बोलते हैं उसको, मतलब देखो मैं बोल नहीं पा रहा, अगर कोई लड़की इस वीडियो को देख रहे हो तो मुझको एक प्यार से हाय बोल देना, उसी में ही काम हो जाता है हम लोगों का। तो मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, इन्फॉर्मेटिव रहेगा आपके लिए इन फ्यूचर में, बाय, जब तक के लिए।